हे गाइस, दिस इज़ नेहा जेठवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मेरा मेकअप ट्यूटोरियल। और मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट मिली थी लाइक प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट्स में कि कब आप मेकअप ट्यूटोरियल डाल रहे हो। सो हियर इट इज़। एंड ये मेरा डेली मेकअप रूटीन है। सो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आई विल रिप्लाई यू गाइस। एंड मैंने प्रोडक्ट्स भी मैंशन कर दिए हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ यूज़ अ टोनर ऑन माई फेस। सो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लाइक मैं जस्ट शावर लेके आई हूँ, तो दैट्स माई बेयर स्किन। सो माई फर्स्ट स्टेप करूँगी इज़ अप्लाइंग अ टोनर। यूज़ दिस बॉडी शॉप विटामिन ई टोनर। ये स्किन को थोड़ा हाइड्रेट कर देता है। आप कुछ भी लाइक अ कॉटन पैड या कुछ ले सकते हो। मेरे से कुछ ना कुछ गिरता रहता है। ओके, तो आपको जस्ट इस पर थोड़ा सा डालना है, जो स्लोली स्लोली टैप कर देना है। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गई, मेरे हेयर को टाई करना। सो इसके बाद मैं कर देती हूँ। सो हाँ, अब मैं अच्छे से मेकअप कर सकती हूँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि मेरे को हेयर ऐसे फेस पे आते हैं तो बहुत इरिटेट सा होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, यूजिंग अ मॉइस्चराइजर क्रीम। आई यूज दिस बॉडी शॉप विटामिन ई। मतलब मैं ये बॉडी शॉप का यूज़ करती हूँ विटामिन ई के प्रोडक्ट्स। ये आप यूज़ कर सकते हो और एल्स कोई भी अच्छी सी फेस क्रीम, डे क्रीम यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपके स्किन को पहले मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, यू कैन सी इट, विटामिन ई बॉडी शॉप। स्किन को मॉइस्चराइज करना इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये आप स्किप मत करना। आप वो टोनर वाला कर सकते हो, नेवर स्किप मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। ओके, ये मैंने मॉइस्चराइज कर लिया। अभी हम करेंगे प्राइमर। आई यूज दिस प्राइमर फ्रॉम NYX स्टूडियो परफेक्ट। अभी ये मेरा खत्म होने आया है, बट हाँ ये मेरा फेवरेट वन है। एक मिनट, और एक चीज भूल गई बताने वाली थी, ये और ये नीचे गिर गया था। अच्छा, लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर दूँ, उसके बाद मेकअप आएगा। तो आप कोई भी लिप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। आई यूज दिस बेबी लिप। सो आई यूज दिस NYX स्टूडियो परफेक्ट प्राइमर। मैं फर्स्ट टाइम मेकअप ट्यूटोरियल या कुछ ये कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा फंबल होगा। सो इट लुक्स लाइक दिस, एंड ग्रीन कलर का है इसका ना, बहुत ही लाइक टेक्सचर और एवरीथिंग बहुत ही स्मूथ। और बट मेरा फर्स्ट फेवरेट है NYX का, ओ गॉड मैं नेम भूल गई हूँ, हनी का है वो, बट ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हनी वाला जो है वो सबसे बेस्ट प्राइमर है। वो नेक्स्ट वीडियो में अगर पॉसिबल होगा तो मैं दिखाऊँगी। सो मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है और ये सबसे लाइट एंड उसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आपको फील ही नहीं होगा कुछ, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ यूजिंग फाउंडेशन। आई यूज दिस फ्रॉम NYX बॉर्न टू ग्लो। और हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेडियंट फाउंडेशन है, आपको फील ही नहीं होगा इतना कि आपने कुछ ज़्यादा हैवी मेकअप किया है। यू कैन ट्राई दिस वन, ये मेरा पर्सनल फेवरेट वन है, सब तो आपको पता ही होगा। शिट, कितना ज़्यादा निकल गया, बहुत ज़्यादा निकल गया है मेरे से बाहर। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कंसीलर नहीं लगाया मैंने। मैं आपको बेस्ट कंसीलर अभी दिखाती हूँ कौन सा है, बट नहीं करती बिकॉज मेरे को डार्क सर्कल्स है नहीं, तो इतना कुछ ज़रूरी लगता है नहीं मेरे को। बाय द वे मैंने कुछ ज़्यादा ही निकाल लिया है बाहर, जो मेरे को इतना मैं यूज़ नहीं करती। सो हम ट्राई करते हैं यूज़ करने का, बट आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा मैं लगाऊंगी तो भूत बन जाऊंगी। अभी इसको वापस कैसे डालू, आपको सिर्फ थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है इसको। सो हम अब करेंगे ब्लश, जो मेरा फेवरेट पार्ट है। सो मेरा फेवरेट पार्ट आ गया है, ब्रश करना, ब्रश नहीं ब्रश नहीं ब्लश। तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है और मेरे पास बहुत सारे शेड्स, वो आप लोग चूज़ नहीं, आप लोग कैसे चूज़ करोगे। हाँ, NYX का ही है सारा कुछ। तो ये जो स्वीट चिक्स है NYX का, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक टिंटेड होता है। ये दो शेड्स है उसके, मैं आपको शेड्स भी बता देती हूँ जो लिखा नहीं है यहाँ पे। ओके, एक है बॉम्बशेल, एक है शुगर ब्रश।
इससे आपको ना बहुत ही ज़्यादा लाइक विजिबल ब्लश होता है ना वैसे दिखेगा। तो अगर आप लोग को लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसा कोई ब्लश चाहिए हो जो दिखे एक्चुअली में, यू कैन गो फॉर दिस टू। और अगर नॉर्मली ऐसे एकदम थोड़ा सा शेड दिखे तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हो। ये भी स्वीट चिक्स वाला ही है एनवैक्स का, बट ये मेट वाला है, डार्क शेड है थोड़ा। और ये वाला है एसेंस का ब्लश। तो ये वाला मेरे को ज़्यादा पसंद है बिकॉज इससे थोड़ा लाइट शेड आता है और नॉर्मल दिखता है, लाइक नेचुरल दिखता है थोड़ा। मेकअप लुक है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रहने का ट्राई करेंगे। सो छोटू सा ले लेना है। पसंद है और छोटू सा चिन पे। सो आई यूज़ दिस हाईलाइटर फ्रॉम मिलानी। और ये इसलिए मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज इसमें तीन तीन शेड्स आते हैं, तो कभी भी मेरे को ये वाइट हाईलाइटर यूज़ करने का मन हो जाता है, कभी गोल्डन एंड कभी रोज़ गोल्ड। तो आपको जैसे आपकी ड्रेसिंग हो उस हिसाब से आप ये चूज़ कर सकते हो शेड। वाइट ही मैं नॉर्मल यूज़ करती हूँ सो दैट थोड़ा सा एकदम ये वाला पिंपल मेरा इग्नोर कीजिए प्लीज़। हाँ तो आपको थोड़ा सा सिर्फ नोज़ पे कर देना है एंड थोड़ा सा हाईलाइटर। मैं ऐसे ही हंसती हूँ विदाउट एनी रीज़न, इसको लोग पागल कहते हैं। सो ये हो गया है हाईलाइटर पार्ट। और हाँ आप लोग को जिसको डार्क सर्कल्स हो, मैंने यूज़ नहीं किया है कंसीलर बट आप लोग कर सकते हो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला कंसीलर यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी कंसीलर नहीं लगाया बिकॉज मैं नहीं लगाती बिकॉज मेरे को डार्क सर्कल, मैं तीन बार बिकॉज बोल गई। बेस्ट कंसीलर इट्स मेबलिन इरेजर इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर। ओके नेक्स्ट हम करेंगे हमारी आईब्रोज। ये वाला सबसे बेस्ट है, लॉरियल पेरिस का अनबिलेवा ब्रो। मैंने इतनी ध्यान से कभी नेम इसका पढ़ा नहीं, और वैसे मैं ये हर बार नहीं यूज़ करती बट अभी कर रही हूँ इससे। तो इसको आपको जस्ट आईब्रोज पे अप्लाई करना है। मेरे को ऐसे फ़ोन में देख के मैंने कभी नहीं किया। ये वाला पिंपल मेरा प्लीज़ इग्नोर करे, इतना बड़ा सा लग रहा है। मेरे कट को अलग से करना पड़ता है। तो हाँ गाइज आप कमेंट्स में ये भी बताओ कि ये कट मैं अब रखूँ कि नहीं रखूँ, लाइक अब मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता है। मेरे मामा बोलते हैं आप मत रख, तो आप लोग बताइए कि आपको पसंद है ये नहीं या नहीं। अगर पार्ट को आपको नहीं कलर करना बिकॉज वो ऐसे ही रहने देना होता है उसको। मेरे को नहीं, मैं मिरर में देख के करके आती हूँ। इसके साथ ही ये वाला आता है तो इससे आप जस्ट कॉम्ब कर सकते हो अपने आईब्रोज को। हो गया। और ये इससे आप बॉर्डर्स को फिनिशिंग दे सकते हो बट मैं इतना ज़्यादा नहीं करती बिकॉज फिर बहुत ही बोरिंग हो जाता है। अब ये मेरे से खुल नहीं रहा तो मैं ट्राई करती हूँ ऐसे ही। नहीं हो रहा है अब, मेरे से मैं बाजू में रख देती हूँ। ऑलमोस्ट डन, तो अब कुछ रहा नहीं ना, सिर्फ लिपस्टिक रही है। यस आई लैशेस कर्लर लेके अपने आई लैशेस को कर्ल कर सकते हो। वी आर डन। मैं मस्करा यूज़ नहीं करती बट आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ कि कौन सा बेस्ट वाला है। उसके बाद ना वो फेस वॉश करने के बाद ना पूरा वो ब्लैक ब्लैक निकलता है, मेरे को वो देख के बहुत इरिटेशन होता है, इसलिए मैं नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। जब बहुत ही ज़्यादा ओकेशन या कुछ हो तभी मैं यूज़ करती हूँ, बाकी वीडियोस करने हो या कुछ ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करती, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हाँ सो यू कैन यूज़ दिस मेबलिन फॉल्सीज मस्करा, ये बहुत ही अच्छा है, लाइक इससे आपकी लैशेस एकदम लॉन्ग दिखेगी। सो प्यारा मेरा फेवरेट, मैं एक ही लिप शेड सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ एंड वो है NYX का, आई डोंट नो MLS 19 शेड इधर लिखा है, सबसे बेस्ट वाला है और न्यू शेड ही है, आप लोग देख सकते हो ये पूरा चला गया इसका नाम। हाँ
तो मैं मोस्टली ये वाला ही लिप शेड यूज़ करती हूँ बिकॉज ये सबसे बेस्ट है। सो सेट स्प्रे क्या हो गया थे। ओके सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग ये यूज कर सकते हो सेट स्प्रे सो दैट आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। मैं ये यूज करती हूँ एनवैक्स का बेयर विथ मी। सो ये वाला सो यस फाइनली अब मेकअप इज डन। अभी मैं मेरे थोड़ा हेयर कॉम करके आती हूँ वापस। सो फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है। सो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो। स्पेशली मैंने ये गर्ल्स के लिए बनाया था, तो मेरी गर्ल फ्रेंड प्यारी सी आप लोग के लिए ये वीडियो था। तो आई होप आप लोग को पसंद आया हो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। सी यू गाइज विथ नेक्स्ट वीडियो एंड वो भी आपको ही बताना है अभी कमेंट सेक्शन में। एंड स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू निहाल एंड।